हम लोग आज पहले लॉ का सारा प्रॉपर्टीज जो है वो रिवाइज करते हैं एंड देन विल सॉल्व द वर्कशीट, ठीक है। सबसे पहला लॉग एक्स बेस है, ये कब डिफाइंड होता है? जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसी कारण से हम लोग बोलते हैं लॉग जीरो। लॉग जीरो का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। फिर हम लोग दो चीज करते हैं, अगर आपके पास लॉग का टर्म है आप उसे एक्सपोनेंट में लिख सकते हो, कैसे? इक्वल्स टू ए टू द पावर बी, ये आपका इधर चला जाता है। उल्टा अगर मैं बोल रही हूँ 2 पावर 4 इक्वल्स टू 16, इसे आप लॉग में लिख सकते हो, कैसे? ये जो बेस है ये यहाँ पे 16 के बेस में चला जाता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग वी स्टडी। इसको यूज करके हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना भी सीखे थे एंड सिंप्लीफाई भी किया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा था कुछ कुछ डिडक्शन, जिसमें पहला था लॉग वन बेस ए इक्वल्स टू जीरो। लॉग वन बेस में कुछ भी हो आंसर हमेशा जीरो होता है। लॉग 10 का वैल्यू क्यों ऐसा? क्योंकि बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 10 लिखा हुआ होता है, और ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर होता है तो उसका लॉग का वैल्यू 1 होता है। लॉग 0 अनडिफाइंड होता है। फिर हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूलाज पढ़ा था। फॉर्मूला में सबसे पहला था लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है? लॉग ए बी, प्रोवाइडेड दोनों का बेस सेम हो। अगर दोनों के बेस में सपोज डी है तो आंसर का बेस भी डी होगा, ऊपर वाला दोनों इंटू होता है। अगर लॉग ए माइनस लॉग बी है तो आप उसे क्या लिख सकते हो? लॉग ए टू द पावर एम क्या हो जाएगा? एम लॉग ए, एम आगे आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर के भी, सॉरी बेस के भी कुछ पावर में है तो वो आगे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्लियर। फिर हम लोग पढ़ा था लॉग ए बेस बी, इसे बदल सकते हैं दो तरीके से, क्या क्या? लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हो एक तो आप इसे, दूसरा 1 बाय लॉग बी बेस से उल्टा कर सकते हो इसको, ठीक है। एंड और क्या, इतना ही था। इन सभी से हम लोग सारा प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, क्लियर। अब कुछ कुछ पिक्यूलियर सम्स हम लोगों ने देखा था इंडाइसेस में, वो सारा वैरायटी इसमें भी आ सकता है। जैसे ए पावर एक्स इक्वल बी पावर वाई इक्वल टू सी पावर जेड, तो हम लोग क्या करते थे, के लेट लेते थे, जिससे ए आता था के टू द पावर 1 बाय एक्स, बी आता था के टू द पावर 1 बाय वाई। वही सेम चीज को यूज करके यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया ए पावर एक्स इक्वल बी पावर वाई इक्वल सी पावर जेड, आपने इसे के लेट लिया तो ए हो गया के टू द पावर 1 बाय एक्स, बी सी। अब बोला जाएगा फाइन लॉग बी सी बेसिक, आप वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हो। बी सी के जगह के पावर 1 बाय वाई इंटू के पावर 1 बाय जेड, और ए के जगह के टू द पावर 1 बाय एक्स। पहले ऊपर में क्योंकि सेम बेस और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग पावर्स को ऐड कर सकते हैं, क्लियर। जो पावर्स है वो कहाँ आएंगे? फ्रंट में, ऊपर का पावर न्यूमरेटर में और नीचे का पावर डिनोमिनेटर में। बच्चा लॉग के बेस के, ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम ले सकते हैं, वाई जेड एलसीएम, वो वाई जेड नीचे चला जाएगा, ऊपर बचा वाई प्लस जेड, और ये एक्स ऊपर चला जाएगा। तो जो इंडाइसेस में हम लोग ऐसा सम्स किया था वो सारे सम्स लॉग में भी वैलिड है, खाली एक दो लाइन एक्स्ट्रा होता है कि आप इंडाइसेस में के हटाने के बाद में खत्म कर देते थे सब, यहाँ पे वो लॉग का एक और फॉर्मूला या कुछ लग सकता है, क्लियर। कोई दिक्कत किसी को? फिर हम लोग सीखा था एक सम लास्ट क्लास में, इसका वैरायटी भी बहुत सारा किया था, कि एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिदम वाला सम्स, राइट। उसमें हमें क्या करना होता है, सपोज आपको मैंने बोला है 3 log 2/3 प्लस 5 log 15/2 माइनस 7 log 3/5। तो आप सबसे पहले जो भी नंबर्स आगे हैं उन्हें पावर्स में दोगे, एंड जो भी आगे में नंबर्स है उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। तो जब 3 जाएगा तो 2 के पावर में भी जाएगा, 3 के पावर होल पावर में जाता है बेसिकली, प्लस लॉग। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो पहले होल लिख देते हैं, 2/3 होल पावर 3। फिर लॉग, हम लोग 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, नीचे 2, और ये जो पावर 5 है ये होल पावर में जाएगा, माइनस लॉग 3/5 होल पावर 7 हो जाएगा, यस। फिर हम लोग क्या पढ़ा, जब ब्रैकेट खोलते हो तो ये पावर जो है ये सबको मिलेगा,
सर्कल किया हुआ जैसे उल्टा हो जाता है। हाँ ब्रैकेट। अब जो भी प्लस में है वो इनटू में जाएगा, जो माइनस में है वो डिवाइड। जब आप डिवाइड में लिखते हो उसको इनटू में लिखने के लिए रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा लॉग 2³/3³ इनटू 3^5, 5^5, 2^5। डिवाइड लिखना चाहिए था, मैं इनटू में लिख रही हूँ तो मैं उल्टा करके लिखूंगी। ये एक ही टर्म है, सो लॉग ऊपर में टोटल कितना 2 है, 3, टोटल कितना 5 है, 5^5 × 5^7 सेम बेस मल्टीप्लाई पावर्स ऐड, 3 का एक ही है। नीचे में 2^5, 3 टोटल कितना हो गया 10। क्लियर। अब 5 तो एक ही है, 3 नीचे ज्यादा है, कितना बचेगा 3^5 बचेगा, ऊपर में 5 था और नीचे 10। 2 में ऊपर 3 बार है, नीचे 5 बार, नीचे 2 बार। अब इसका इतना बड़ा कैलकुलेशन हम करने से यही छोड़ते हैं, यूजुअली आपका छोटा सा कोई नंबर आता है तो जिससे हम आंसर में लिखते हैं। क्लियर पक्का। इससे एक बहुत फेमस क्वेश्चन हम लोग ने किया था 7 log 16/81 वैसा कुछ, जो बहुत फेमस था हम लोगों का। क्लियर है यहाँ तक सबको, आप लोग वर्कशीट करो। वर्कशीट 1A 16 = 2^4 आंसर बढ़िया। बी 10 = 100^2 कुछ नहीं करना, बस एक लाइन लिखना, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना। 1/4 = 2^-2 0.5 का स्क्वायर इक्वल 0.25 मैच हुआ अभी तक सबका। लास्ट वाला C = a^b अच्छा सॉरी इसमें किया था तानिया हुआ था 2A लॉग में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट में लिखना है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन लिखना है अपने को। पहला बी log 1/16 base 4 = -2 log 1000 base 10 = 3 log 1 base 0 = 0 बेस में a हो 1 = log 6561 base 9 = 4 log m base a = x हो गया आप लोग सबको। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, नहीं तो एक्स लेट लेके भी कर सकते हो। कौन सा क्या हुआ प्रॉपर्टीज, पहला log 25 base 5 स्क्वायर लिखा और वो 2 फ्रंट में आ गया, एंड log 5 base 5 कितना है, तो आंसर 2। नंबर बी log 128 base 8 क्या किया, 128 2^7 8 को 2³ लिखा, आगे आ गया 7/3 2 base 2 1 हो गया 7/3 आंसर। log 256 बेस में 0.5 हम लोग 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 विच इज 1/2 और 1/2 होता है 256 तो 8/-1 log 2 base 2 1 हो गया, ये हो गया माइनस 8। डी log 16 base √2 बोलो
16 को 2 पावर 4 लिखा और रूट 2 को 2 पावर हाफ लिखा। आगे अच्छा मैंने ई लिखा लॉग आपका 4 आगे और हाफ भी आगे लॉग 2 बेस 2 लॉग 2 बेस 2 1 हो गया और वो वाला 2 ऊपर जाएगा ठीक है। नंबर डी जो मैंने छोड़ दिया था बीच में लॉग 0.01 बेस में 10। अब 0.01 होता है 1/100 यानी 100 टू द पावर माइनस 1 100 10 स्क्वायर होता है 10 पावर माइनस 2 तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर माइनस 2 ये है 10 माइनस 2 फ्रंट में लॉग 10 बेस 10 1 हो गया। एफ लॉग 3 टू 2 रूट 3 ये नहीं हुआ 324 का फैक्टराइजेशन करते हैं 3 तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 4 जिसमें रूट नहीं होता ना खाली उसका पावर नोटिस करो नीचे 2 रूट 3 है हमें ऊपर भी 2 रूट 3 का ही कोई पावर लिखना होगा। आप खाली ये देखो जो बिना रूट का उसका पावर क्या बिना रूट का अच्छा नीचे रॉन्ग होगा 3 रूट 2 होगा ये तब मैच हो जाएगा। तो बिना रूट का 3 है 3 का पावर चेक करो 3 का पावर हो जाएगा 4। अब रूट 2 टू द पावर 4 ऑटोमेटिकली 2 पावर 2 बन जाता है अब 4 आगे आ जाएगा। सो कैंसिल होके रूट 2 होता 2 पावर हाफ हाफ इंटू 4 होके 2 हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी लॉग क्यूब रूट 7 बेस में 7 क्या किया 7 टू द पावर 1/3 बेस में 7 वो 1/3 फ्रंट में लॉग 7 बेस 7 हो गया 1। एच किया लॉग बेस 3 यहाँ पे कायदे से ऊपर में कुछ होना चाहिए था उस ऊपर वाले में ये पूरा का पूरा टर्म बैठा 512 बेस 2 तो आप पहले आउटवर्ड सॉल्व करना स्टार्ट करते हो जिसमें सब कुछ लिखा हुआ तो 512 है log 2 टू द पावर 9 ये 2 9 फ्रंट में आएगा 9 log 2 बेस 2 log 2 बेस 2 हो गया बचा log 9 बेस 3 9 को लिख सकते हैं ये फ्रंट में आएगा log 3 बेस 3 1 हो गया बचा 2 आया था अब आएगा 4 किया log x base 16 equals 5/4 हमें x ढूंढना है तो क्या लिखेंगे फिर 16 को 4 और 5/4 सेम फ्लोर पे है कैंसिल 2 पावर 5 वो होता है 32 x हो गया 32। नंबर बी लॉग 81 बेस एक्स इक्वल 4 क्या होगा नेक्स्ट लाइन फिर 81 को भी पावर 4 में लिखा क्योंकि राइट साइड पावर 4 था पावर्स कैंसिल इक्वल्स टू ऐसे माइनस 3 का पावर भी होता पर नेगेटिव नहीं ले सकते। सी लॉग बेस 25 इक्वल 0 क्या लिखेंगे 25 पावर 0 क्या होता है एनीथिंग टू द पावर 0 1 डी लॉग 0.008 बेस x इक्वल्स 3 क्या लिखेंगे 0.008 इक्वल x क्यूब लेफ्ट में हम लोग 0.008 को किसका क्यूब लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं
इनकेस आपको ये नहीं आता है, जैसे यहाँ पे क्यूब कटा एक्स आ गया 0.2, आपको डेसिमल नहीं आता है, तो आप 0.008 को 8, डेसिमल कितना डिजिट है उसके बाद 3, तो नीचे 3 जीरो आएगा। आप 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, इसे 10 क्यूब लिख सकते हैं, इसे एक्स क्यूब लिख सकते हैं, सबका क्यूब कट जाएगा, 2/10 इक्वल्स एक्स, तो 0.2 इक्वल। इनकेस डेसिमल में कंफर्टेबल फील नहीं करो तो ये फायदा बनता है होने का, बट फिर ठीक है। इन लॉग एक्स बेस 0.4 इक्वल्स 4, पहला लाइन 0.4 टू द पावर 4, अगेन इसको भी आप डेसिमल हटा के भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो पहले नंबर का पावर कर लो, 4 टू द पावर 4 निकाल लो, वो आया 256। हर नंबर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ऐसा 4 हुआ है तो डेसिमल के बाद 4 हो गया, तो 3 मुझे दिख रहा है, चौथा 1, 2, 3, चौथा के लिए 0 लगाया और फिर डेसिमल आएगा, नहीं तो आप इसे 4/10 होल पावर 4 लिख सकते हो, 4 पावर 4/10 पावर 4 हो जाएगा, ये हो गया 256/1000 लगा 10,000 डेसिमल लगा तो 4। ये तो इसी का उल्टा है, 0.0256 इक्वल 0.4 टू द पावर एक्स, हमने अभी देखा ये क्या है, 0.4 टू द पावर 4 है, तो बेस गया, कंपेयर कर लो पावर्स को, एक्स इक्वल्स टू 5 में कर, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यूब इक्वल्स टू 7, यहां से मैं अगर एक्स का वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आएगा, आप जब भी पावर एक साइड से दूसरी साइड भेजते हो रेसिप्रोकल हो जाता है, फिर हमें वैल्यू निकालना है लॉग 2401 बेस एक्स। अब आप 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, हमें मुझे मालूम है इधर 7 का पावर है तो 7 से जाएगी, तो 7 फिर से 7 कितना, फिर से 7, तो 2401 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 और x को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 1/3। हाँ पावर्स फ्रंट में आएंगे 4 नीचे 1/3 लॉग 7/7, लॉग 7/7 हो जाएगा 1 और ये 3 ऊपर आ जाएगा, समझ आया। ओके क्वेश्चन नंबर 6, लॉग 729/3, 729 को क्या लिखा, सिक्स फ्रंट में, लॉग 3/3 1 हो गया सो 6, लॉग बेस में 2 √64/√8 क्या किया, √64 को 8 लिखा और नीचे 8 टू द पावर हाफ लॉग, ये हो गया 8 टू द पावर 1 माइनस हाफ, सेम बेस डिवाइड, लॉग 8 को लिखा 2 क्यूब और बाहर में 1 माइनस हाफ हो गया हाफ, ठीक है, यहाँ तक 3 × 1/2 होता है 3/2, वो 3/2 फ्रंट में आएगा, ये 1 हो गया, आंसर इज 3/2, ठीक है। सी लॉग 0.0001/log 0.1, तो ऊपर में देखो कितना जीरो है 4, तो 0.1 टू द पावर 4 हो जाएगा,
पावर फ्रंट में लॉग 0.1 बेस 0.11 हो गया, बचा आपको डी लॉग 27 रूट 729 बेस में 3। रूट 729 होता है 27, रूट 729 इज 27, तो 27 स्क्वायर हो गया, 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, 3 इंटू 2 6, वो 6 फ्रंट में आ गया, तो लॉग 3 बेस 3 1 हो गया, आंसर इज 6। ये रॉन्ग हुआ है आप लोगों का। हो गया नेक्स्ट नंबर ई लॉग क्यूब रूट 100 बेस 10। क्यूब रूट का मतलब 100 टू द पावर 1/3, फिर 100 को लिखा 10 स्क्वायर, 2 और 1/3 सेम फ्लोर पे इसलिए मल्टीप्लाई हो गया 2/3, वो 2/3 को मैं फ्रंट में ला सकती हूँ, लॉग 10 बेस 10 1 हो गया, आंसर इज 2/3। ठीक है, एफ लॉग बेस में 5 ऊपर में 25 इंटू रूट 625 बाई क्यूब रूट 125। अब लॉग 5, 25 को रखा रूट 625, रूट 625 होता है 25 का, ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आप उसको 5/4 लिख के भी कर सकते हो, डायरेक्ट किया या 5/4 लिख के किया, क्यूब रूट 125 होता है 5 क्यूब, तो यहाँ आ गया 5, 5 जा बोलो। फिर ऊपर में 5 स्क्वायर इंटू 5 बेस में 5, तो ऊपर हो गया लॉग 5 क्यूब, या पहले मल्टीप्लाई करके 125 लिख लिया और फिर 125 को 5 क्यूब लिख लिया, वो भी चलेगा, 3 फ्रंट में आया, लॉग 5 बेस 5 होता है 1, सो द आंसर इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला एक्सप्रेस इट एज अ सिंगल नंबर या सिंगल लॉग। पहला है लॉग ट्वाइस एक्स प्लस 2 लॉग एक्स, आप तब तक फॉर्मूला नहीं लगा सकते जब तक ये फ्रंट में 2 बैठा है, तो पहले ये 2 हटेगा, ये 2 कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा बैकवर्ड्स, तो ये हो गया लॉग ट्वाइस एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। अब लॉग ए प्लस लॉग बी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ट्वाइस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग ट्वाइस एक्स क्यूब। ठीक है, ये 3 आगे नहीं आएगा, क्यों, 2 के पावर में नहीं है ये, बी 1/2 लॉग 9 माइनस 3 लॉग 4 प्लस 3 लॉग 2, अगेन सेम चीज, जो भी फ्रंट में उनको पावर में, और एक चीज यहाँ 1/2 भले ही है पर ये 2 बेस में नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि अगर बेस चेंज हो गया तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगी, इसलिए हम लोग कभी भी कोई फ्रंट में नंबर होता है उसको बेस में देते ही, उसको हमेशा ऊपर वाले को ही देंगे, ठीक है, भले फ्रैक्शन। ऐसे यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, 9/1 नीचे 10 स्क्वायर होगा, जिसके वजह से 2 फ्रंट में आके हाफ बना, पर जब आप रिटर्न भेजते हो, आप अगर 10 को दोगे तो रॉन्ग नहीं है, बट वो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैंने बेस के 10 को 100 बना दिया तो बाकी का बेस तो चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिस चेंज हो गए तो आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, तो मैं बेस को चेंज नहीं करना चाहती, इसलिए जो भी आगे है वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ 9 को, हाँ, इसीलिए रॉन्ग नहीं था, कायदा अनुसार वही होता है, मैं जो कर रही हूँ वो भी रॉन्ग नहीं है, बट ये वाला मेरा पर्पस सॉल्व कर। 3 को 4 के पावर में भेजा और यहाँ पे 3 को 2 के पावर में भेजा, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 4 क्यूब होता है 64, 2 क्यूब होता है log 8,
ये टू और ये टू कैंसिल, बचा थ्री। अब जिसके आगे प्लस वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और जिसके आगे माइनस वो डिविजन में जाएगा। तो लॉग थ्री और एट के आगे प्लस है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 64 के आगे माइनस है, वो डिवाइड हो गया। तो आंसर आएगा लॉग, यहाँ पे बेस में कौन है, 10, क्योंकि कुछ नहीं है इसलिए 10। क्लियर है, हो गए नहीं, आप फर्स्ट लाइन के आगे ही नहीं बढ़ोगे क्योंकि बेस ही चेंज कर दिया। जब बेस चेंज कर दिया तो आप करोगे क्या, फिर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, आंसर माइनस में आ सकता है, क्वेश्चन में माइनस नहीं, माइनस लॉग हाँ आ सकता है, वो आंसर आएगा। अभी हम लोग लॉग का वैल्यूज जब निकालेंगे तब देखेंगे। ठीक है, ये एट का ए प्रूव दैट है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड। लॉग 75 को लॉग 3 प्लस 2 लॉग 5, आई गेस आरएचएस इज बेटर। आरएचएस में है लॉग 3 प्लस 2 लॉग 5, जैसे अभी कर रहे थे। पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा, ये 2 में 2 चला जाएगा पाई ऑफ पावर में, ये हो गया लॉग 3 प्लस लॉग 25। प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 इंटू 25 75, वही मेरा LHS है। ये जो कुछ कुछ आप लोगों की आदत होते हैं ना, LHS log 75 equals to RHS लिखा, एक साइड सॉल्व किया उसको भी log 75 बना दिया, फिर बोला कि देखो इधर भी log 75 इधर भी log 75 इसलिए प्रूफ, बहुत गलत है वो। इफ आई हैव आस्क्ड यू टू प्रूव समथिंग यू कैन नॉट स्टार्ट योर सम विद द सेम वेरी लाइन। मैंने उसी को तो प्रूफ करने आपको बोला है, अब उसी लाइन को लेके सॉल्व करके दे देते हो। ये बहुत लोगों की आदत है स्टूडेंट्स कि LHS equals to RHS प्रूफ करने दिया है, आप पहला पूरा लाइन लिख देते हो और फिर कोई एक साइड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बोलते हो, देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड में भी वही नंबर लिखा है, राइट हैंड साइड में भी वही नंबर लिखा है, इसलिए इक्वल। जैसे यही सब मैंने किया, मैंने RHS लिखा और फिर दिखाया कि log 75 है, उसकी जगह मैंने RHS नहीं लिखा, मैंने लिखा log 75 इक्वल टू दिस और फिर खाली एक साइड सॉल्व करते करते उसको भी log 75 बना दो, वो बहुत ही गलत है। यू कैन ईदर राइट योर लेफ्ट हैंड साइड और यू कैन राइट योर राइट हैंड साइड और यू सॉल्व देम सेपरेटली एंड रीच देम एट द सेम लोकेशन, बट यू कैन नॉट राइट बोथ ऑफ देम टुगेदर इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव दैट। समझ आया, वो चलेगा, कोई एक साइड लेके करो। हाँ मैं वही तो बता रही हूँ, दिखाओ क्या किया, दिखाओ हाँ यही मैं बोल रही थी जो नहीं करना, दिखाओ एक बार, लोगों को समझ में नहीं आया मैंने क्या मना किया, समझ जाएगा। हाँ मैं बहुत लोग ऐसे सीखते हैं 9-10 तक, पर ये अब मत करना, वो बता रही इसीलिए मैंने चला के बताया कि ऐसे ये वाला प्रेजेंटेशन का तरीका अब गलत है, डोंट डू दिस। मैं ये नहीं बोल रही कि पहले तो चलता ही था 8-10 तक, ये रॉन्ग है तरीका ही। पहले आप लोग सीबीएसई वाले भी करते हैं ऐसे पहले, बट से वो प्रॉब्लम नहीं, नहीं 11 के बाद आप लोगों को ज्यादा कंसेप्चुअली पढ़ाया जाता है ना, 10 तक आप लोगों को बेसिक सिखाया जाता है तो उतना प्रेजेंटेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देते आपको, 11 से आपका हर चीज पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए मैंने बोला कि चला के कि ये प्रेजेंटेशन तरीका गलत, कर तो आप भी सेम ही चीज रहे हो, एक शब्द का ही तो फर्क है, इसलिए प्रेजेंटेशन वाइज दैट्स नॉट अ राइट, वो सिखा रहे। सम तो आपने भी वही किया जो मैंने किया, बट वो तरीका जो लिखने का वो थोड़ा गलत है, इसलिए मना करते हैं। नेक्स्ट नंबर बी, इसमें तो उपाय नहीं है, LHS से स्टार्ट करना पड़ेगा। लॉग 4/7 प्लस लॉग 33/18 माइनस लॉग 22/21। इसमें तो कुछ आगे है ही नहीं, कोई पावर वार का नाटक ही नहीं है, जिसके आगे प्लस वो इंटू और जिसके आगे माइनस वो, अब डिवाइड में नहीं लिख के हम क्या करेंगे, इंटू करके रेसिप्रोकल कर देंगे उसको, कैंसिल करिए, 7 3 3 6 2 2 2 3 3 11 3 11 11 2 2 भी गया, सब कट गया। लॉग 1 बचा, लॉग 1 होता है 0, डू यू आर यू बोदर्ड विद व्हाट इज द बेस, नहीं कुछ भी हो हम तो 0 ही लेते हैं,
This is your RHS. Next, number C, LHS. 3 log 4 plus 2 log 5 minus 1 by 3 log 64 minus 1 by 2 log 60. 4 power में जाए, 3 4 के power में जाएगा, 2 5 के power में जाएगा, 3 64 के power में जाएगा. मैं 64 को 2 power 6 लिख सकती हूँ. बेस पे डालते तो मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा पाऊंगी ना. यहाँ पे भी 16 को पहले 4 स्क्वायर लिखा और आगे जो हाफ था उसको पावर में भेज दिया. लॉग 4 क्यूब, 4 क्यूब हो गया 64, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया 25. यहाँ पे 1 बाय 3 था, सॉरी. तो 6 इंटू 1 बाई 3 जब हुआ तो 2 बचा और log 2 स्क्वायर होता है 4. 2 2 कैंसिल, यहाँ भी बचा 4. वो पावर में ले जाने वाला स्टेप नहीं दिखाया, वो एक आपका कंसेप्चुअल पॉइंट है ना. आप ये सिंप्लीफिकेशन मत देखो, भले 2 पावर 6 और 3 कटा है वो चलेगा, और वो तो दिखा. कोई भी चीज जिसमें आपका कोई लॉजिक या कंसेप्ट या फॉर्मूला लग रहा है, दैट स्टेप हैज टू बी शोन. वो तो और ही बढ़िया. वो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं कि इसने ज्यादा स्ट्रेस दिया उसे ज्यादा मार्क्स मिले. कंसेप्चुअल पॉइंट्स मत मिस करो, सिंप्लीफिकेशन वाले पॉइंट्स आप उड़ा सकते. और जिनके आगे माइनस है वो डिवाइड हो रहे, तो 4 16 सा, फिर 4 4 सा, 25 इंटू 4 हो गया लॉग 100. अब देखो यहाँ प्रूव दैट नहीं होता तो आपको पता भी शायद याद नहीं रहता कि 100 को किया जा सकता है, पर ये याद रखना पड़ेगा. 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, ये 2 फ्रंट में आया. अब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैंने चला के बेस लिखा है, ये जरूरी नहीं. लॉग 10 बेस 10 हो गया 1. अब खाली लॉग 10 लिख के फिर 1 उसको लिखोगे वो भी चलेगा. रॉन्ग है, अभी ठीक है. डी एल एच एस 1 बाई 2 लॉग 25 माइनस 2 लॉग 3 प्लस लॉग 18. 1 बाई 2 पावर में जाएगा और मैं 25 को 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ. ठीक है, ठीक है. 2 भी पावर में जाएगा, ये log 18 का तो कुछ नहीं होना. सो ये 2 और ये 2 कटा, बचा log 5. 3 स्क्वायर हो गया log 9 और ये हो गया log 18. सेम, जिनके आगे प्लस वो मल्टीप्लाई, जिनके आगे माइनस वो डिवाइड. सो 9 2 इज 5 इंटू 2 10. व्हाट इज log 10? क्योंकि बेस में भी 10 है. ठीक है. E, log 2 plus 16 log 16 by 15. ये मैंने आप लोगों को बोला था ऐसा सम्स इंपॉर्टेंट होता है. 12 log 25 by 24 plus 7 log 81 by 18. पावर्स फ्रंट ऊपर जाएंगे एंड उन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमेशा. ठीक है, आराम से एकदम. ये कौन था? LHS. log 2, 16 पावर में जा रहा है, मैं एक ही बार में उसका फैक्टराइज वैल्यू भी लिख रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लाइन बार बार लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता. 16 को लिखा 2 टू द पावर 4, 15 को लिखा 3 इंटू 5 और पावर में 16 चला गया ये वाला. प्लस log 25 को लिखा और 24 को 8 इंटू 3 होता है. तानिया को दिक्कत. ये 16 बाई 15 जो है उसको मैं 2 पावर 4 और 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ और जो सामने था नंबर वो पावर में चला गया. सेम चीज यहाँ, 25 को 5 स्क्वायर लिखा, 24 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 क्यूब इंटू 3 और ये जो पावर था 12 ये ऊपर चला, फ्रंट में जो था नंबर वो पावर में चला गया. सेम यहाँ पे 81 को क्या लिखूंगी,
और 80 प्राइम फैक्टराइजेशन 16 5 जा, ठीक है, तो 2 power 4 into 5 और ये पावर चला गया 7, ठीक है, ये चीज समझ आया। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी वो पावर जो है वो सबको मिलेगा, तो लॉग 2 के पावर में ऑलरेडी 4 था उसको 16 भी मिला, तो सेम फ्लोर वाला मल्टीप्लाई होता है, तो 2 to the power, ये ठीक है सबके लिए, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा, मुझे सबसे आंसर चाहिए, 3 power 16 into 5 power 16 प्लस बोलते जाइए 24, 2 to the power 36, 3 to the power 12 प्लस लॉग 28, 4 into 7 है नीचे, सभी तो प्लस हो रहा है तो सब मल्टीप्लाई होगा, सो लॉग 2 into 2 power 64 by 3 power 16 into 5 power 16 5 power 24 2 power 36 into 3 power 12 3 power 28 2 power 28 into 5 to the power 7। अब अगर ऊपर में सब मल्टीप्लाई और नीचे में सब मल्टीप्लाई, सेम बेस मल्टीप्लीकेशन पावर्स एड, तो यहाँ पे 2 2 है, क्या हो जाएगा, power 1 power 64 एड हुआ 65, और ऊपर में तो 1 ही 3 और 1 ही 5 है, फिर नीचे में 2 2 है, 36 और 28 पावर्स एड होगा, 36 plus 28 फिर 2 3 है, 16 और 12 2 5 है, 23, 3 का काउंटिंग सेम है कैंसल, ऊपर में 265 टाइम नीचे 264 टाइम, सेम बेस डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट, नीचे से 64 ऊपर गया माइनस हुआ 65 minus 64, तो यहाँ पे लॉग 2 बचा, सेम 5 के लिए ऊपर ज्यादा है तो 23 नीचे से ऊपर गया माइनस हुआ 1, लॉग 2 इंटू 5 व्हाट इज लॉग 10 व्हिच इज योर आरएचएस, ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है, क्लियर है सबको, यहाँ तक वो सम्स है जो आपने सिंप्लीफिकेशन वाइज कहीं ना कहीं आप लोगों ने देख ही रखा था। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है, टेंस और 11 ये सब मैंने पहले कराया नहीं आप लोगों को, तो आई गिव यू हिंट्स, क्लियर।